वेलकम टू टेक अनलॉक गाइज। नथिंग फोन 2A का लॉन्च इवेंट अभी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। इस मोबाइल की मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप है, तो अगर आप भी सोच रहे हैं नथिंग फोन 2A लेना और कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसमें क्या क्या फीचर आएंगे, क्या नहीं आएंगे, परफॉर्मेंस कैसा होगा, तो चलिए हम इसी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे इफेक्टिव प्राइस निकल के आ रही है 19,999। मतलब यहाँ पे आपको 12 मार्च को 12 बजे दोपहर को आपको यहाँ पे ये नथिंग फोन 2A दिखाई देगा, वो भी 19,999 इस डील प्राइस में। सिर्फ यहाँ पे ये ऑफर वन डे के लिए है और नेक्स्ट डे से ही आपको इसके नॉर्मल प्राइस दिखाई देंगे। बात करते हैं वेरिएंट से, इसके 3 वेरिएंट्स आते हैं। फर्स्ट वेरिएंट है 8GB और 128GB, इसकी प्राइस आती है आपकी 23,999। उसके बाद है आपका 8GB और 256GB, इसकी प्राइस है 25,999। और लास्ट वेरिएंट है हमारा 12GB और 256GB, जिसकी प्राइस है हमारी 27,999। स्टोरेज की अगर बात करें तो रैम यहाँ पे आ रहा है आपका LPDDR4X के साथ और रोम यहाँ पे आ रहा है UFS 2.2 के साथ। यहाँ पे 3.0 तभी एक्सपेक्टेड था एटलीस्ट, लेकिन यहाँ पे 2.2 यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो ये मोबाइल लेना सच में वर्थ इट होगा या नहीं, तो इसके फीचर्स के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में हम ओवरऑल जानकारी लेंगे। दोस्तों, इस मोबाइल की बहुत हाइप है, क्यों, इसके 2-3 रीज़न मैं आपको जनरल बताता हूँ और यहाँ पे कुछ हम हिस्ट्री देखेंगे जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये मोबाइल आज के तारीख में कहाँ पे स्टैंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन का जो मोबाइल था नथिंग फोन 2, तो इसमें क्या था, थोड़ी ओवर प्राइस था ये मोबाइल और इस वजह से थोड़ा सेल भी डाउन चला गया था। लेकिन यहाँ पे 2A क्या है, आपका नथिंग फोन 1 का अपग्रेडेड वर्जन है, लेकिन नथिंग फोन 2 का ये थोड़ा डाउनग्रेडेड वर्जन है, या हम इसे नथिंग फोन 2 का लाइट वर्जन भी कह सकते हैं। तो प्रीवियस मोबाइल क्या था, थोड़ा ओवर प्राइस था, इस वजह से सेल थोड़ा डाउन चला गया था, लेकिन ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी मोबाइल होगा, तो इसका मेजर एडवांटेज यही होगा विथ रिस्पेक्ट टू इसका परफॉर्मेंस एंड ओवरऑल पैकेज। सेकंड रीजन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो नथिंग का CEO है कार पे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, इस बार इंडिया पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो आप जानते होंगे एड्स में वगैरह रणवीर सिंह अब आ रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने नथिंग का डिक्लेयर कर दिया है, एड्स वगैरह में आपको फ्लिपकार्ट पे देख सकते हैं। सेकंड, यहाँ पे उन्होंने खुद भी मार्केटिंग की थी ट्विटर पे, बहुत ही आपको पता होगा कार्ल पे नाम चेंज करके उन्होंने कार्ल भाई रख दिया था, तो यहाँ पे भाई का बहुत ही ट्रेंडिंग चल रहा था, ये भी आपको पता होगा, अभी उन्होंने फिर से नाम अपना चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये मोबाइल 5 मार्च को आज ग्लोबली लॉन्च हुआ है, फिर भी यहाँ पे इंडिया सेंट्रिक यहाँ पे होगा, क्योंकि इंडिया पे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली फोकस किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया क्या है, बहुत ही ग्रोइंग मार्केट है, डेवलपिंग मार्केट है। तो जो भी नई कंपनी आती है तो वो पहले क्या फोकस करती है, इंडिया के मार्केट को क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती है। और यहाँ पे कार्ल पे भाई, हम जैसे कह सकते हैं, उन्होंने सिंपली इंडिया को क्या किया है, यहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया है। तो अगर इंडिया वाले फ़ोन को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर से ये क्या हो जाएगा, नथिंग फोन आपका अब चला जाएगा। तो यहाँ पे ये बजट सेगमेंट में बहुत ही कंपटीशन रहता है एक्चुअली, 20 से लेके 25,000 के बीच में। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा अपना लुक्स हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, तो ये कंप्लीट पैकेज निकल के आता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे नथिंग फोन प्रीवियस जनरेशन में स्नैपड्रैगन के साथ आता था, पार्टनर होने के बावजूद भी यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी का प्रोसेसर यहाँ पे चूज किया गया है इस बार। तो ओनली परफॉर्मेंस के बेसिस पे यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 यहाँ पे चूज किया गया है। अंतुतु स्कोर अगर बात करें हम तो 7 लाख के आसपास यहाँ पे आपको अंतुतु स्कोर मिलेंगे, जो आपके मिड रेंज स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर उतना बीट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये रहेगा कि इन्होंने परफॉर्मेंस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस किया है विथ रिस्पेक्ट टू फीचर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिज़ाइन से। यहाँ पे आपको पता होगा कि नथिंग फोन आपका ट्रांसपेरेंट बैक के लिए फेमस है, तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट बैक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको प्लास्टिक बैक दिखाई देगा, फिर भी ये लुक वाइज बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे आपको ग्लिप्स लाइट भी यहाँ पे दिखाई देगी, हॉरिजॉन्टल कैमरा होगा, उसके साइड में आपको 3 ग्लिप्स लाइट यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग की गई है, प्रीवियस मोबाइल्स में क्या हुआ था, ज़्यादा ग्लिप्स लाइट यहाँ पे आपको दिखाई दी थी, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए सिंपली उन्होंने 3 ग्लिप्स लाइट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैमरा के साइड में यहाँ पे पुट किए हैं, जिनका लुक भी बहुत ही बढ़िया निकल के आता है। तो यहाँ पे बैग आपको प्लास्टिक ही मिलेगा, एज वेल एज यहाँ पे आपको फ्रेम भी क्या मिलेगा, प्लास्टिक ही मिलेगा। प्रीवियस मोबाइल्स में क्या था, एल्यूमिनियम फ्रेम आपको यहाँ पे दिखाई देता था, लेकिन सिंपली यहाँ पे कुछ कॉस्ट कटिंग की गई है, हम यहाँ पे वो जस्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन इन हैंड फील यहाँ पे अगर देखें तो मोबाइल यहाँ पे 6.7 इंच का स्क्रीन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बिगर स्क्रीन है, कंटेंट वॉचिंग में आपको मज़ा आएगा। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप व्हाइट वर्जन के साथ जाएंगे तो व्हाइट वर्जन थोड़ा आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मेटल का डिज़ाइन है ऊपर के साइड में, एक स्क्वेयर आपको रेक्टेंगल बॉक्स दिखेगा मिडल्स में,
यहाँ पे व्हाइट क्या है थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ब्लैक की तरफ अगर जाएंगे हम तो ब्लैक यहाँ पे थोड़ा लाइट्स के मामले में थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, लाइट्स थोड़े ज़्यादा आपको ब्राइट लगेंगे ब्लैक कलर्स में। लेकिन ब्लैक क्या है, यहाँ पे बहुत ही बड़ा फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो यहाँ पे व्हाइट में उतने आपको फिंगरप्रिंट दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे आपका चॉइस है, ऑब्वियसली दो कलर ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, ट्रांसपेरेंट व्हाइट एज वेल एज ट्रांसपेरेंट ब्लैक। तो कौन सा चूज करना है टोटली आप पे डिपेंड होगा। वेट्स की अगर बात करें तो 190 ग्राम का आपको यहाँ पे मोबाइल दिखाई देगा। ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रेम प्लास्टिक का होने की वजह से और बैक प्लास्टिक का होने की वजह से यहाँ पे वेट क्या हो गया है, कम हो गया है। लेकिन बैटरी यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगी, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी आपको यहाँ पे दिखाई देगी, 4920 मिली एम्पियर है एग्जैक्टली अगर कहे तो। तो अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में आपको यहाँ पे सिंपली मोबाइल मिलेगा ऑब्वियसली, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन गाइड मिलेगा, सिम इजेक्टर टूल मिलेगा, और यहाँ पे टाइप सी टू टाइप सी का यहाँ पे केबल मिलेगा। पोर्ट्स एंड बटन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे नीचे के साइड पे आपको स्पीकर ग्रिल दिखाई देगा, उसके साइड में आपको USB-C का पोर्ट, उसके साइड में माइक्रोफोन, और उसके साइड में आपको यहाँ पे सिम कार्ड स्लॉट दिखाई देगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन का आपको यहाँ पे बटन दिखाई देगा, राइट हैंड साइड में ऑब्वियसली पावर ऑन ऑफ का आपको बटन दिखाई देगा, और ऊपर के साइड पे यहाँ पे आपको नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन का सपोर्ट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ये मोबाइल कोई IR ब्लास्टर सेंसर के साथ नहीं आता है, तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिए। और यहाँ पे FM रेडियो ऑब्वियसली आप आज के फ़ोन में नहीं आते, तो ये भी आपको पता होगा। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिलेगा 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले आपको दिखाई देगा। फ्लेक्सिबल यहाँ पे सिंपली टर्म यूज़ की है नथिंग फोन ने, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले ही होगा। लेकिन यहाँ पे 1.5K के नहीं होगा, फुल HD प्लस होगा। रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 120 हर्ट्ज़ का यहाँ पे रिफ्रेश रेट आपको दिखाई देगा, 240 हर्ट्ज़ के यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट के साथ। और पीक ब्राइटनेस आपको यहाँ पे मिलेगी 1300 निट्स की, जो आपको आउटडोर विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा देगा। ये मोबाइल आपका एडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब मिनिमम अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, कोई वर्क नहीं कर रहे, तो यहाँ पे 30 हर्ट्ज़ पे यहाँ पे काम करेगा, और मैक्सिमम आपको पता है 120 हर्ट्ज़ पे यहाँ पे काम करेगा आपका रिफ्रेश रेट। बेजल्स की अगर बात करें तो यूनिसाइज आपको बेजल मिलेंगे हर तरफ, और यहाँ पे कंपनी के साइड से यहाँ पे बताया जा रहा है कि नथिंग फोन 1 से इसके बेजल्स क्या होंगे, थोड़े स्लिम होंगे। प्रोसेसर की हमने बात की कि मीडियाटेक का आपको डायमेंसिटी का 7200 का यहाँ पे प्रोसेसर मिलेगा, प्रो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कीवर्ड यूज़ किया गया है कंपनी की तरफ से। बैटरी की अगर बात करें तो 5000 मिली एम्पियर की यहाँ पे बैटरी मिलेगी आपको, जो यहाँ पे लगभग 7 to 8 आवर का आपको स्क्रीन ऑन टाइम दिखाई देगा। चार्जिंग सपोर्ट यहाँ पे आपको 45 वाट का मिलेगा, यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर आप चार्जर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बॉक्स के साथ नहीं आएगा, यह आपको सेपरेट खरीदना पड़ेगा, लगभग 2500 का आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगा। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे सिंपली आपका 90 हर्ट्ज तक यहाँ पे सिंपली गेम्स आप खेल सकते हैं। HDR में क्या हो जाएंगे, थोड़ी क्लैरिटी कम हो जाएंगी, आप BGMI खेल रहे हैं या कॉल ऑफ ड्यूटी में थोड़ा ज़्यादा फ्रेम्स आपको दिखाई देंगे। गेंशन इंपैक्ट भी आप खेल सकते हैं, 60 फ्रेम्स यहाँ पे सिंपली आपको एवरेज मिल जाएंगे। ये मोबाइल आता है नथिंग OS 2.5 के साथ, जो एंड्रॉयड 14 पे बेस है। तो ये मोबाइल आपको पता होगा जीरो ब्लॉटवेयर के साथ आता है, जो नथिंग OS की यहाँ पे स्पेशलिटी होती है कि इसमें कुछ एडिशनल आपको ऐप्स नहीं मिलेंगे, सिंपल इंटरफेस होता है आपका। यहाँ पे विडजेट भी हमें दिखाई देंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे हम विडजेट सेट कर सकते हैं, अलग अलग विडजेट आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्शन का विडजेट हो गया, या सिंपली आपके टाइमर वगैरह हो गए। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ग्लिप्स लाइट के आपको कस्टमाइजेशन खुद भी कर सकते हैं आप, एज वेल एज यहाँ पे 10 ग्लिप्स लाइट्स के रिंगटोन आपको प्री इंस्टॉल मिलेंगे। और यहाँ पे आप खुद से भी रिंगटोन क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग यहाँ पे लाइट्स के यहाँ पे पैटर्न आप सिंपली क्या कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। और आपको पता ही होगा ग्लिप्स लाइट क्या होता है, एज आपका इंडिकेटर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्विगी या जोमेटो का कोई पार्सल होगा तो डिलीवर होने में कितना टाइम बाकी है, कितने डिस्टेंस पे है, तो वो कवर करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे सिंपली आपको इंडिकेटर की तरह ग्लिप्स लाइट यहाँ पे सिंपली दिखाई देती है। चार्जिंग में भी आपको यही फीचर दिखाई देगा, सिंपली आप देखकर भी बता सकते हैं कि कितना मोबाइल परसेंट चार्ज हुआ है विद द हेल्प ऑफ ग्लिप्स लाइट। चलिए बात करते हैं कनेक्टिविटी से। यहाँ पे आपको 5G ड्यूएल बैंड का सपोर्ट मिलेगा, वाईफाई 6 यहाँ पे आता है, ब्लूटूथ 5.3 का यहाँ पे वर्जन आपको दिखाई देगा। ये आपका NFC सपोर्ट के साथ भी आता है, 5G वीडियो कॉल्स वगैरह आप सिंपली कर सकते हैं। ड्यूएल नैनो सिम के साथ ये आता है, इसमें कोई हाइब्रिड सिम नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ पे सिंपली आप ड्यूएल नैनो सिम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कैमरा से, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे आपको सेल्फी 32 मेगापिक्सल दिखाई देगा, 50 मेगापिक्सल का यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, और 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्राइमरी, जो हम मेन कैमरा कहते हैं, वो आपको दिखाई देगा।
फोटोज़ की अगर बात करें तो थोड़े इनकंसिस्टेंट आपको फ़ोटो लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े कलर्स में यहाँ पे इतना अच्छा काम किया नहीं गया, लेकिन आई होप कि ये अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा। मतलब अभी अगर हमने फ़ोटो निकाला और थोड़े अलग एंगल में अगर फ़ोटो निकाला तो यहाँ पे सिंपली हमें देख सकते हैं कि अलग अलग कलर यहाँ पे सिंपली शो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ये ऑब्वियसली अपडेट के साथ फिक्स हो जाएगा, आई होप सो। वीडियोज़ की अगर बात करें तो इस बजट रेंज में आपको ठीक ठाक ही वीडियो दिखाई देंगे। यहाँ पे 4K आप 30fps पर निकाल सकते हैं वीडियो, प्राइमरी कैमरा एज वेल एज आप अल्ट्रा वाइड पे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे 32 मेगापिक्सल सेल्फी पे आप सिंपली 60fps पे 1080p पे वीडियोज़ निकाल सकते हैं। सर्टिफिकेशन की बात करें तो IP54 के साथ ये आता है। तो ये मोबाइल आपका ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें 20,000 के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे ये बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन प्रोवाइड करता है आपका, क्योंकि नथिंग फ़ोन आपको पता है ट्रांसपेरेंट बैक के साथ आता है, एज वेल एज यहाँ पे आपको ग्लिप्स लाइट दिखाई देती है कैमराज के साइड में। यहाँ पे अगर फ़ोन वगैरह आ गया, कॉल आ गया, मैसेज आ गए, तो यहाँ पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, ग्लिप्स लाइट यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। यूज़र टू यूज़र हम रिंगटोन चेंज कर सकते हैं, ग्लिप्स लाइट हम कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर आते हैं। अपडेट की अगर बात करें तो 3 ईयर्स यहाँ पे आपको OS अपग्रेड मिलेंगे और 4 ईयर्स के यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच अपडेट दिखाई देंगे। OS के मामले में ये बहुत ही टॉप नॉच है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर जीरो ब्लॉटवेयर के साथ आने वाली ये पहली कंपनी होगी जो इस प्राइस रेंज में लॉन्च करेगी। तो वीडियो को अगर समराइज करें तो ये मोबाइल एक्चुअली किसे लेना चाहिए, तो अगर हम बात करें बजट सेगमेंट में, तो यहाँ पे 20 से लेकर 25,000 के बीच में ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे लुक्स वाइज भी हम अगर देखें तो यहाँ पे ग्लिप्स लाइट आपको मिलती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है, यहाँ पे आपको जीरो ब्लॉटवेयर मिलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बढ़िया काम करता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पे अच्छा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे ओवरऑल पैकेज की अगर बात करें, मोबाइल की लुक वाइज अगर बात करें, एमोलेड स्क्रीन वगैरह, तो यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा आपको, आप इस मोबाइल के साथ जरूर जा सकते हैं, मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।